4 बजे की 24 ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। पहली खबर बॉलीवुड से, जहां पर शोक की लहर है। टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी की हार्ट अटैक के चलते दुखद मौत हुई है। जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आया और अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया है। देखिए, जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक का ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते दिन में भी राजू, जो कि मशहूर कॉमेडियन थे, उनकी भी कुछ इसी तरीके से दर्दनाक मौत हुई थी। और अब देखिए, जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक का मामला एक और सामने आया। टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी की हार्ट अटैक से दुखद मौत हुई है। बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज जैकलीन पर 15 नवंबर को आएगा फैसला। 15 नवंबर तक जैकलीन की अंतरिम जमानत जारी है। 15 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में ये फैसला आएगा। तो देखिए, इंतजार अब जैकलीन को 15 नवंबर तक का करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन से लगातार ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है और अब इंतजार 15 नवंबर तक जैकलीन फर्नांडिस को करना होगा। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया। अगले आदेश तक कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज ज्ञानवापी मामले में हम आपको दे रहे हैं। अगले आदेश तक पुराना आदेश जारी रहेगा, कथित शिवलिंग की सुरक्षा जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। तो देखिए, अगले आदेश तक पुराना जो आदेश था वही जारी रहेगा। पहुंच रहे हैं सीएम बघेल, सैमरा गांव पहुंच रहे सीएम बघेल। यहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रमों में ग्राम कर जंजीर से बांधकर पीटने के मामले में एक कार्रवाई की गई है। तालिबानी देखिए किस तरीके
भी मौजूद रहे और जब सीएम शिवराज सिंह चौहान एबीवीपी के साथ जुड़े हुए थे उस वक्त के अनुभवों को भी साझा किया। अगली ब्रेक न्यूज शहडोल से, जहां पर लोकायुक्त ने टीआई को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, 16,000 घूस लेते हुए ये ट्रैप किया है। SC ST केस पर FIR नहीं करने को लेकर ये घूस मांगी थी, रिश्वत मांगी थी, 30,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। जैतपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, लोकायुक्त ने ये बड़ी कार्रवाई की है, बाकायदा टीआई को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है, 16,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। छतरपुर से अगली ब्रेक न्यूज, जहां पर खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। 10 बोरी खाद की जगह सिर्फ दिया जा रहा है केवल 2 बोरी। खाद वितरण केंद्र में घंटों लाइन के बाद भी खाद दिया जा रहा है। देखिए, किसानों को इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि सीएम की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि किसानों को कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, लेकिन इसके बावजूद देखिए आए दिन ये ऐसी तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। दमोह से अगली ब्रेक न्यूज, जहां पर बोलेरो और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। हटा दमोह मार्ग पर कंजरा के पास से ये भीषण सड़क हादसा पेश आया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बोलेरो और बाइक में भिड़ंत हुई और उसके बाद गाड़ी में आग लग गई है। बाइक सवार 2 लोगों की दुखद मौत हुई है। अगली ब्रेक न्यूज बिलासपुर से, जहां पर सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का ये मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 70 लाख की धोखाधड़ी करने पर हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तारी हुई है। नौकरी लगाने के नाम पर ये ठगी करता था और इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। 70 लाख की धोखाधड़ी करने पर हरिद्वार से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल से अगली ब्रेक न्यूज, जहां पर लापरवाही से ऑटो चलाने पर निलंबित होगा लाइसेंस। पहली बार 6 महीने के लिए निलंबित होगा लाइसेंस और 2 बार से ज्यादा रेड लाइट जंप करने पर लाइसेंस भी निलंबित होगा। चालक सीट पर यात्री बैठाने पर भी कार्रवाई होगी। पहली बार 1,000 रुपए का फाइन तो दूसरी बार सीधा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जबलपुर से अगली ब्रेक न्यूज, जहां पर मैकला रिजॉर्ट में युवती की लाश मिलने के मामले में युवती के कत्ल का वीडियो भी अब सामने आया है। हत्या करने वाले आशिक ने खुद वीडियो बनाया है। वीडियो में हत्या के लिए बेवफाई का हवाला देते हुए दिखाई दे रहा है आरोपी। 2 दिन पहले धारदार हथियार से युवती को मौत के घाट उतारा था। अब 2 दिन बाद उसने खुद वीडियो अपलोड किया है सोशल मीडिया पर। रायपुर से अगली ब्रेक न्यूज, जहां पर चिटफंड कंपनी का फरार 2 डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है। गरिमा रियल स्टेट चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान जेल से PW पर रायपुर लेकर आई है पुलिस। बनवारी और विजेंद्र पाल सिंह को पुलिस रायपुर लेकर आई है। साल 2014-15 में पैसे डबल करने के नाम पर